हफ्ते रात के 2 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। रीमा चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में उसका देवर सूरज सो रहा था। रीमा सूरज के बगल में आकर लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसा करते रहने से सूरज जाग गया और बगल में अपनी भाभी को लेटा देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक दूसरे को सहलाते और चूमते रहने के बाद देवर भाभी ने जब तक ताकत रही जमकर एक दूसरे के साथ खेले। दोनों के एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे। रीमा जब अपने कमरे में जाने लगी तो सूरज ने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, रीमा ने इठलाते हुए कहा। अरे भाभी, जाग गए होंगे तो जागने दो ना उन्हें, मैंने तो तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है, वैसे भी उनको ये सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, इतने स्मार्ट नहीं है वो, सूरज ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सूरज की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और रीमा अपनी साड़ी और पल्लू सही करके अपने कमरे में चली गई, जहां उसका पति बिरज सो रहा था। उसने एक नजर अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। बिरज ने आंखें खोली और कहने लगा, रीमा तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज मेरे माथे पर चूम कर जगाती हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ये कहकर बिरज ने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया। बिरज और सूरज का कपड़ों का कारोबार था। बिरज बहुत ही सीधा और सज्जन था, जबकि सूरज एक आवारा और गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार बिरज ने ही संभाल रखा था, जबकि सूरज सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। सूरज को एक लड़की से प्यार भी हो गया था, जिससे वह शादी करना चाहता था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि बाद में उसकी भाभी बन चुकी रीमा ही थी। पर उस समय जब सूरज ने रीमा के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो रीमा के पिताजी ने साफ मना कर दिया था, हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर सूरज और रीमा के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा तो दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हालांकि बिरज और सूरज दोनों सगे भाई थे, पर उनमें काफी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फायदा सूरज ने उठा लिया और अपने मोबाइल फोन में रीमा का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही बिरज को रीमा बहुत पसंद आ गई। अरे सूरज, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बिरज ने उतावला होते हुए कहा। हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाऊं। सूरज ने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं है, बिरज थोड़ा शर्मा सा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो, ये इसका हॉटस्पॉट नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो, सूरज ने एक और दाग फेंका। बिरज सीधा साधा लड़का था, जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसलिए उसे सूरज की चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे रीमा से फोन पर बातें शुरू कर दी। रीमा ने भी बिरज को अपनी प्रेम की गिरफ्त में ले लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह रीमा के बिना नहीं रह पाएगा तो उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। बिरज के पिता की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद बिरज की माँ ने उसकी आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वो बिरज को मना न कर पाई और शादी के लिए न सिर्फ हाँ कर दी बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर रीमा के घर पहुँच गई। रीमा के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने रीमा का मन टटोला तो उसकी भी रजामंदी देखकर रीमा के घर वालों ने रीमा और बिरज की शादी कर दी। सुहागरात के दिन जब बिरज अपने कमरे में पहुंचा और रीमा का चेहरा देखा, जब उसने संबंध बनाना चाहा तो रीमा ने मना कर दिया। क्या आपने सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी की है, रीमा ने बिरज से धीरे से पूछा। नई दुल्हन ने बिरज को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सकपका सा गया। नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में ये सब जरूरी होता है, बिरज ने शर्माते हुए कहा। देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं पढ़ना चाहती, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब हमारे बीच में कोई भी संबंध बन जाएगा, रीमा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। बिरज भोला था, वह रीमा की बातों में आ गया और यही समझता रहा कि रीमा पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। लेकिन बिरज को क्या पता था कि उसका भाई सूरज ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा है। बिरज तो अपने काम में बिजी रहता, रीमा और सूरज जवानी के मजे लूट रहे थे, अब उन लोगों को किसी की भी परवाह नहीं थी। वैसे भी सूरज और रीमा में भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। रीमा कभी कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती तो बिरज यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम सूरज के साथ चली जाना। फिर क्या था, रीमा और सूरज घर से निकल जाते और किसी होटल में 3-4 घंटे मजे करके लौट आते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक प्रेमी जोड़ा
अपने प्रेम को कायम रखने के लिए किस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। बीरज और रीमा की शादी को एक साल बीत चुका था, पर उसे अभी तक रीमा के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब बीरज से न रहा गया तो उसने शर्माते हुए ये बात अपनी माँ से बता दी और बीरज की माँ को कुछ अजीब सा लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चे के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती। ये सोचकर उन्होंने उल्टे ही बीरज को समझा दिया। एक दिन की बात है, बीरज शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रीमा के लिए गजरा लेने के लिए वह एक दुकान पर बढ़ गया, तभी एक पान की गुमटी के पीछे से सूरज की आवाज आती हुई सुनाई दी। तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था बीरज, वहीं रुककर सूरज की बातें सुनने लगा। एक दोस्त सूरज से कह रहा था, अरे भाई सूरज, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया और अब तो जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार मजे ले सकते हो। अरे यार, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर रीमा के बाप मुझसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का ये नाटक करना पड़ा। सूरज नशे में सब कहे जा रहा था, बीरज के कानों में मानो किसी ने पिघला शीशा भर दिया हो। लेकिन दोस्तों, रीमा भी बड़ी चालाक निकली, उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि रीमा के सीने पर मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूंगा। इतना कहकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद बीरज को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से सूरज ने रीमा के लिए गलत बातें कह रखी थी, उनसे बीरज का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान कमीने, धोखेबाज भाई को होकर के तूने भाई से धोखा किया, चिल्लाते हुए बीरज ने सूरज को एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को सूरज सहन नहीं कर पाया और उसने भी बीरज पर हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। सूरज का खून गर्म तो था ही, उस पर शराब ने और भी गर्मी चढ़ा रखी थी, और ये गर्मी तब शांत हुई जब उसने शराब की टूटी बोतल अपने भाई बीरज के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटाता बीरज खून से नहा उठा था और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई बीरज की लाश देखकर सूरज पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस झमेले से बचने के लिए उसने प्लान बनाया। सूरज और उसके दोस्तों ने पुलिस में ये बताया कि कोई लूटने के मकसद से बीरज का खून कर गया है, और पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह भी उन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। बीरज अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने रहता था, जिस पर सूरज का दिल आ गया, इसलिए वह अंगूठी सूरज ने पुलिस को न देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी सूरज की बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। बीरज की माँ ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। बीरज के मरने के बाद माँ एकदम अकेली सी हो गई थी और वे रीमा के कमरे में ही सोने लगी थी। माँ के रीमा के साथ में सोने से सूरज और रीमा का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा, क्योंकि अब उन दोनों की जिस्मानी जरूरतें पूरी करने की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए सूरज ने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। माँ, बीरज भैया के जाने के बाद से आप बड़े अशांत रहने लगे हो, आपको शांति मिले इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को हरिद्वार घुमा लाता हूँ, कुछ दिन आश्रम में रहेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। सूरज ने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से ये कहा। अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियाँ लेकर कहाँ जाऊँगी, तुम और रीमा ही हो, आओ मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूँगी, माँ ने कहा। अंधे को क्या चाहिए दो आँखें, सूरज और रीमा जो चाहते थे वही उनको मिल गया। फिर क्या था, दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया और जी भर के अपने जिस्मों की प्यास बुझाई। इधर सूरज की माँ घर में अकेली होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें सूरज के कमरे की अलमारी में बीरज की वह अंगूठी मिली जो सूरज उसको मरने के बाद ले आया था। अचानक से बीरज को लूट लिया जाना, जबकि बीरज कई सालों से उस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से बीरज की अंगूठी का सूरज की अलमारी में मिलना माँ के दिल में शक सा पैदा कर गया। माँ ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि उसकी बहू रीमा की चुन्नी भी सूरज के कपड़ों में मिली। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वो कर क्या सकती थी। उन्होंने सूरज के दोस्तों को घर पर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, दोनों की शादी करा देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। माँ को मालूम था अब रीमा के माता पिता भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वे विधवा बेटी का बोझ क्यों संभालेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।